हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों माने आपको कोई जॉब लग गया, ठीक है, 10 से 5। तो दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट है सैलरी। दोस्तों आपको स्टार्टिंग में सैलरी कितना मिल सकता है, 8,000, 10,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 मिलेगा। तो दोस्तों आपने सोच लिया कि उसमें से आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं या बैंक में, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट रेट दोस्तों बनता है बहुत ही कम बनता है और आप सैलरी का सिर्फ 10% ही जमा कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। दोस्तों आप 80 लाख रुपये आपको जमा करना है, लेकिन 1,000 रुपये 1,500 रुपये हर महीने आप जमा करो। किस में दोस्तों? रेकरिंग डिपॉजिट, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में 5-6 से 6.5% तक इंटरेस्ट मिलता है और आप पूरा ज़िंदगी में दोस्तों 20 लाख रुपये भी नहीं कमा पाओगे। लेकिन वही पैसा आप जमा करोगे तो 70 लाख से ऊपर आपका कॉर्पस बनेगा। कोई इंश्योरेंस में डिपॉजिट करने का दोस्तों एडवाइस में नहीं दे रहा हूँ आपको। जमा करने का दोस्तों ऑप्शन बहुत सारा है आपके पास। दोस्तों आज के टाइम पे जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है दोस्तों वो है म्यूचुअल फंड। दोस्तों आप हर जगह पर आजकल देख रहे हो कि म्यूचुअल फंड हर जगह पर चर्चा है, लेकिन 5,000 से ऊपर म्यूचुअल फंड है फिलहाल मार्केट में अभी। दोस्तों आज मैं जिस म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, लास्ट 5 साल में 22% का, लास्ट 3 साल में 34% का और लास्ट 1 साल में 16% रिटर्न बन अपने कस्टमर को दिए हैं और ऑल ओवर इसने 22.23% का रिटर्न बना के अपने कस्टमर को अभी तक दे रहा है। दोस्तों ये लॉन्ग टर्म का एक म्यूचुअल फंड है। मिनिमम आप इसमें ऐसा भी 100 रुपये से शुरू कर सकते हो और मैक्सिमम का कोई लिमिट है नहीं। दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करके एक बढ़िया कॉर्पस बना सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में। करंट जो एनएवी है दोस्तों 161 रुपीज़ का ये करंट एनएवी चल रहा है। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है। ये म्यूचुअल फंड कौन कौन सा कंपनी में अपना पैसा को इन्वेस्ट करता है दोस्तों? इन्फोसिस, TCS, एयरटेल, HCL, टेक महिंद्रा, विप्रो, रिलायंस, FL, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड Zomato। दोस्तों ये जो इंडिया का टॉप लीडिंग कंपनी है ये म्यूचुअल फंड, इन कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और बढ़िया सा रिटर्न बना के अपने कस्टमर को दे रहा है। ICICI Prudential Commodities Fund, दोस्तों ये डायरेक्ट प्लान वाला एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो दोस्तों आप इसमें से इन्वेस्ट करके बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। रेगुलर प्लान में दोस्तों इन्वेस्ट करने से क्या होता है, एजेंट कमीशन दुनिया भर का चार्ज लगता है, लेकिन डायरेक्ट प्लान में दोस्तों कोई चार्ज नहीं लगता, आप सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फंड साइज है दोस्तों इस फंड का 994 करोड़ रुपये। ऑल ओवर इंडिया में लास्ट 3 साल में ये फंड ने अभी तक 1 नंबर पर अपना जगह बना के रखे हैं। दोस्तों आप चाहे तो ग्रो ऐप, एंजल वन, 5 पैसा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो डीमैट अकाउंट है उसमें आप डीमैट अकाउंट ओपन करके अपना स्टार्टिंग शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का और इस चैनल को एक बढ़िया सा सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का 1.06% और एग्जिट लोड 1% का दोस्तों, मतलब आप इसको रिडीम कर लेते हो, ठीक। अगर दोस्तों टैक्स की बात करते हैं, रिडीम बिफोर 1 ईयर 15% का आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 1 साल के मतलब कभी भी इसको रिडीम करते हो तो आपको 10% का टैक्स ऑल ओवर लगेगा। दोस्तों कभी भी आप रिडीम करते हो ये बात दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो फंड है दोस्तों कैसे बनता है वो। दोस्तों हम आ गए अभी म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर में, जो SIP कैलकुलेटर है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों हम 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और जो रिटर्न होगा दोस्तों हम 20-22% नहीं पकड़ेंगे, हम कम पकड़ेंगे 18%, क्योंकि कभी भी रिटर्न बढ़ भी सकते घट भी सकती है, मार्केट से रिलेटेड है। और जो टर्म रहेगा दोस्तों 15 साल के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है 1,80,000 और जो दोस्तों मेच्योरिटी बनेगा हमारा 8,02,000 रुपये। टोटल जो रिटर्न बना है 6,22,000 का। दोस्तों हम वही इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे अगले 20 साल के लिए, ठीक है, अमाउंट वही रहेगा 1,000 रुपये। तो दोस्तों आपका जो अमाउंट बनेगा मेच्योरिटी वो बनेगा दोस्तों 19,31,000। दोस्तों ये अमाउंट भी बढ़िया अमाउंट है और दोस्तों हम इसको थोड़ा एडवांस करते हैं और जो डिपॉजिट अमाउंट है हम इसको 2,000 रुपये करते हर महीना, ठीक है, और जो सेम टू सेम रहेगा परसेंटेज और टर्म। तो दोस्तों इसमें हमारा बन रहा है 38,62,000 रुपये, सिर्फ 4,80,000 रुपये हमने डिपॉजिट किया। दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म का गेम है, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म के लिए करो। और दोस्तों लास्ट जो फाइनल है दोस्तों वो है हम जो टर्म करेंगे दोस्तों वो 26 साल के लिए, इन्वेस्ट वही 2,000 रुपये और रिटर्न 18%। तो दोस्तों हमारा जो कॉर्पस बन रहा है 1,06,00,000 का दोस्तों, इसमें से हम सिर्फ 6,24,000 रुपये इन्वेस्ट किए और बाकी 1 करोड़ रुपये हमको रिटर्न में मिला है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो SIP है, ये म्यूचुअल फंड, दोस्तों ये लॉन्ग टर्म में बढ़िया से बढ़िया रिटर्न बनाकर कस्टमर को दे सकता है। तो दोस्तों आप भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अभी भी नहीं आए तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों शुरू कर दीजिए, और अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगता है तो इस YouTube चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।